हेलो एवरीवन। सो आज हम फ्लो के टाइप्स के बारे में देखेंगे। टाइप्स, फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं, कौन से होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती है, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा कॉन्सेप्चुलाइज देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा फ्लो है वो है लैमिनार फ्लो, सेकंड हमारा फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो, थर्ड ट्रांजिशनल फ्लो, फोर्थ है सुपर क्रिटिकल फ्लो, देन स्टेडी फ्लो एंड देन अनस्टेडी फ्लो। अब हम लैमिनार फ्लो के बारे में देखेंगे कि लैमिनार फ्लो अब क्या होता है। देखिए कि लैमिनार फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो वेयर द फ्लूइड मूव्स इन पैरेलल लेयर्स विद नो डिसरप्शन बिटवीन देम। दिस मीन्स दैट ईच लेयर ऑफ फ्लूइड हैज द सेम वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। एक्चुअली लैमिनार फ्लो में क्या होता है कि जो भी फ्लूइड का फ्लो होता है वो पैरेलल होता है, यानी कि लेयर बाय लेयर वो पैरेलली चलते हैं और उनकी वेलोसिटी और डायरेक्शन एक ही होती है और सेम होती है। लैमिनार फ्लो इज ऑफन फाउंड इन लो स्पीड विस्कस फ्लूइड सच एज ऑयल और सिरप। इनका एक एग्जाम्पल है, जो जैसे कि हम एक ऑयल किसी ऑयल को देखते हैं या फिर सिरप को देखते हैं, तो ये जो है इनका वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होता है सेम होता है, तो इन्हें हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। सेकंड हमारा है ट्रांजिशनल फ्लो। सो ट्रांजिशनल फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो दैट इज नाइदर फुली लैमिनार नॉर फुली टर्बुलेंट। This means that the fluid particles may move in both parallel layers and chaotic patterns. अभी देखिए transitional flow क्या होता है। Transitional flow हमारा laminar flow भी नहीं होता या फिर completely turbulent flow भी नहीं होता। Laminar flow और turbulent flow इनके बीच में जो exist करता है उन्हें हम transitional flow कहते हैं। अभी transitional flow turbulent भी हो सकता है या फिर वो laminar भी हो सकता है। अभी turbulent यानी क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें चाओटिक पैटर्न्स होता है, मतलब इनके इनमें जो जैसे कि हम फ्लो देखते हैं, जैसे कि हमारा जब हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो वो एक प्रकार का टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ट्रांजिशनल फ्लो ऑकर्स व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर dimensionless parameters that describe the ratio inertial flows to viscous forces between approximately 2000 4000. Actually transitional flow कब exist होता है, जब उनका Reynolds number 2000 और 4000 के बीच में होता है। ये range होती है Reynolds number की, and at this range of Reynolds number the flow can switch between laminar and turbulent depending on the conditions. और इन ranges में ये जो flow होते हैं वो क्या होते हैं, स्विच होते हैं, एक तो लैमिनर फ्लो में कन्वर्ट होता है या फिर टर्बुलेंट फ्लो में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, सो टर्बुलेंट फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो वेयर द फ्लूइड मूव्स इन एन इररेगुलर चाओटिक मैनर। दिस मीन्स दैट देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। टर्बुलेंट फ्लो हैज रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000। अभी देखो कि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि इनका जो पैटर्न्स होता है फ्लो होने का वो इररेगुलर होता है, वो कैसे भी मूव करते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, उनका स्पेसिफिक वेलोसिटी नहीं होता। तो टर्बुलेंट फ्लो कब ऑकर होता है, जब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, जब रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर होता है किससे, क्रिटिकल वेलोसिटी से। ठीक है, जब टर्बुलेंट फ्लो की जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा ज्यादा आता है तो वहां पर टर्बुलेंट फ्लो ऑकर होता है। अभी टर्बुलेंट फ्लो हैज रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000। अभी टर्बुलेंट फ्लो तब ऑकर होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर उसका 2000 से ज्यादा हो। ठीक है, तब हमारा टर्बुलेंट फ्लो ऑकर होता है। सो टर्बुलेंट फ्लो इज ऑफन फाउंड इन हाई स्पीड फ्लोज विद लॉट्स ऑफ टर्बुलेंसेस सच एज फ्लो ओवर अ रफ सरफेस और थ्रू अ पाइप विद ऑब्स्टेकल्स। इट कैन ऑल्सो ऑकर व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो इनमें टर्बुलेंट फ्लो के अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ आने के बाद उनकी वेलोसिटी डायरेक्शन कुछ अता पता नहीं रहता, वो बहुत ही स्पीड में वो फ्लो करती है। तो इनका क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर से काफ़ी हाई होता है, इसलिए और ये रेंज यानी रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज अगर 2000 से ज़्यादा हो तो टर्बुलेंट फ्लो ऑकर होता है। उसके बाद हम देखेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो। अभी सुपर क्रिटिकल फ्लो के बारे में क्या जानेंगे, सुपर क्रिटिकल फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो दैट ऑकर्स व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड फॉर दैट फ्लूइड। दिस मीन्स दैट द फ्लूइड पार्टिकल्स आर मूविंग एट अ सुपरसोनिक स्पीड्स। अभी सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है कि इनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उनका जो साउंड होता है फ्लो का उससे भी ज्यादा
सुपरसोनिक इनका फ्लो होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट्स में या फिर रॉकेट्स में जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं रॉकेट का, तब वहां से जो गैस नीचे धरती पर पड़ती है, तो वो भी एक सुपर क्रिटिकल फ्लो का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है कि जो फ्लो होता है गैस का, वो बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड और बहुत ही ज्यादा ज्यादा हाई होता है, और उनका जो साउंड होता है गैस का या फिर गैस के फ्लो का, तो वो कम पड़ जाता है साउंड, लेकिन इनकी वेलोसिटी, उन फ्लो की वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा सुपर क्रिटिकल फ्लो में हमें दिखाई देती है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो इज ऑफन फाउंड इन हाई स्पीड गैस फ्लो सच एज दोज इन रॉकेट इंजन्स और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इट कैन ऑल्सो अकर इन सम लिक्विड्स फ्लो सच एज दोज इन हाइड्रोलिक जम्प्स और क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर्स। तो इनमें भी हमें सुपर क्रिटिकल फ्लो दिखाई देता है। उसके बाद है हमारा स्टेडी फ्लो। अब स्टेडी फ्लो क्या होता है कि स्टेडी फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो वेयर द कंडीशंस वेलोसिटी प्रेशर एंड टेम्परेचर एट एनी गिवन पॉइंट इन द फ्लूइड डू नॉट चेंज ओवर टाइम। अब स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें वेलोसिटी प्रेशर और टेम्परेचर ये कभी भी चेंज नहीं होते टाइम के साथ, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब भी हमारा वेलोसिटी हो, प्रेशर और टेम्परेचर अगर फ्लो का कांस्टेंट रहे, वो कभी भी टाइम के साथ चेंज ना हो, तो उसे हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। अभी स्टेडी फ्लो जो है वो लैमिनार फ्लो भी हो सकता है और टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है, यानी कि लैमिनार फ्लो यानी कि ऑयल सिरप, ठीक है, ऐसे भी लैमिनार फ्लो भी हो सकता है या फिर टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है, यानी बाढ़ आ जाए तो ये भी एक टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है। बट ये क्या होता है कि इनमें वेलोसिटी प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो भी हम स्टेडी फ्लो कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनस्टेडी फ्लो। अभी अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है कि अनस्टेडी फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो वेयर द कंडीशंस एट एनी गिवन पॉइंट इन द फ्लूइड चेंज ओवर टाइम। सो दिस मीन्स दैट वेलोसिटी प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड मे वेरी ओवर टाइम। अनस्टेडी फ्लो में उससे अपोजिट होता है। अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है कि फ्लो का जो वेलोसिटी है, प्रेशर है और टेम्परेचर है, वो टाइम के साथ यहाँ पर चेंज होता है, इसलिए यह अनस्टेडी फ्लो माना जाता है। अभी अनस्टेडी फ्लो लैमिनार फ्लो भी हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है, बट उनमें वेलोसिटी प्रेशर और टेम्परेचर ये टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, तभी हम उन्हें अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो कैसे होते हैं और उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। थैंक यू सो मच।